नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू YouTube सीरीज में, जिसमें मैं आपको 3ds Max के कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट बना के दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल चेयर, फुटबॉल और छोटे छोटे और बड़े बड़े से कंपोनेंट्स बना के दिखाने वाला हूँ इस सीरीज में। तो प्लीज देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें और बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक फुटबॉल को आप कैसे बना सकते हो एक नॉर्मल वे में, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। जिनको 3ds Max आता है वो इजीली सीख सकते हैं, बाकी मैंने साइड बाय साइड वो जो बेसिक्स हैं वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी वीडियो चलती रहेगी और ये भी चलती रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक फुटबॉल बनाएंगे। फुटबॉल बनाने के लिए हम सबसे पहले ले गए, यहां से क्रिएट में जाएंगे, जो यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट में स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड पे जाके हम हेडर को चूज करेंगे और हेडरों को हम बना देंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाके डोडेक, और इसकी जो फैमिली पैरामीटर है पी की वैल्यू रखेंगे 0.38। 0.38 से क्या होगा, इसके अलग अलग फेसेस बन जाएंगे, कुछ छोटे फेसेस कुछ बड़े फेसेस। अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल पॉली में। पॉली में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसके फेसेस पे अलग अलग पहले मटेरियल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्रेस किया, यहाँ पे एक मटेरियल मैंने बनाया, एक मटेरियल यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड यहाँ से चूज किया, ओके, और इसको मैंने ब्लैक कलर का मटेरियल बना दिया, क्लिक ब्लैक कलर, ओके। और थोड़ा ये थोड़ा नॉर्मल यूज कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड मटेरियल्स, बिल्कुल मैं हाईफाई कुछ नहीं जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे लेवल आपने इंक्रीज किया, वो मटेरियल आप अपने तरीके पर डाल सकते हो, थोड़ी सी शाइनिंग इसके अंदर आ जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। और एक आपने व्हाइट कलर का बनाया, जिसमें आपने कलर को व्हाइट रखा कंप्लीट और उसकी थोड़ी सी शाइनिंग और ग्लोसीनेस आपने इंक्रीज कर दी, क्लियर है। व्हाइट लगा दिया आपने कंप्लीट पे, और फेसेस पे लगाना है आपको ब्लैक कलर का मटेरियल। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पॉलीगन चूज किया और ये छोटे वाले पॉलीगन चूज किए, कंट्रोल प्रेस करके मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये छोटे वाले पॉलीगन, ये मैंने यहां से, ये वाले पॉलीगन में यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाले। तो ध्यान से आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, इन वाले पॉलीगन्स को, क्लियर है। इन वाले पॉलीगन्स पे मैं ये वाला मटेरियल लगा देता हूँ, ब्लैक वाला, ये लो, मेरा मटेरियल का काम खत्म। अब आपके मटेरियल पहले लग चुका है, पहले मटेरियल लगा लें, क्योंकि बाद में आपका मटेरियल लग नहीं पाएगा क्योंकि सेगमेंट्स बहुत हो जाएंगे। इसके बाद आप एजिस को क्लिक करें और सारे एजिस को सिलेक्ट करें। एजिस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट का, आप एजिस को स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करने से क्या होगा कि ये सारे एजिस डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो जाएंगे, पॉलीगन्स अलग हो जाएंगे, और इन एजिस को मॉडिफायर लिस्ट, इन एजिस को सिलेक्ट करके, दोबारा से इन एजिस को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको लगा दे टर्बो स्मूथ, ताकि आपकी एजिस स्मूथ हो जाए और आप इटरेशंस कर सकते हैं यहाँ पे दो, आपका एजिस का काम खत्म। अब बात करते हैं इस पे, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इस पे लगा देंगे अब स्पेरिफाई, आपकी फुटबॉल को हम गोल करेंगे, स्पेरिफाई गोल करने के काम आता है। 100% स्पेरिफाई मैं लगा चुका हूँ यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा तो आप इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हो टर्बो स्मूथ को। ये देखो इतने सारे सेगमेंट आ चुके हैं और आपकी फुटबॉल गोल हो चुकी है, अभी भी ये सही से नहीं बनी, और मॉडिफाई इस पे करेंगे अभी। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं एडिट पॉली, राइट क्लिक करके एडिट पॉली नहीं करेंगे हम, ये वाला एडिट पॉली यूज करेंगे, क्योंकि इस वाले एडिट पॉली में क्या है कि हम इन ऑप्शंस को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एडिट पॉली चूज करके अब बेसिकली मैं पॉलीगन्स को सिलेक्ट करूंगा, ये सारे पॉलीगन्स को, ये आपके पॉलीगन सिलेक्ट होंगे सारे, राइट क्लिक और इनको हल्का सा एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा लोकल नॉर्मल, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्सट्रूड हो। मैंने वैल्यू रखी यहाँ पे 1, देखो हल्का सा एक्सट्रूड हुआ, वैल्यू आप 2 भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके साइज पे, मान लो अभी के लिए मैं 1 ही रखता हूँ, एंड कर दिया, ओके। तो ये देखो हल्का सा आपका एक्सट्रूड और बीच में हल्का सा स्पेस आपका बन गया। अब आपको करना क्या है, इसको कर दो मैश स्मूथ, ये रहा मैश स्मूथ। मैश स्मूथ करते ही आपकी फुटबॉल देखो कुछ इस टाइप में यहाँ पे बन जाएगी, बट ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको स्पेस नजर आएगा, तो इसके लिए इसके सब डिविजन्स को आप क्वाड आउटपुट कर दें, तो ये सब डिवीजन आपके फिल हो जाएंगे, तो कुछ इस टाइप में आपकी फुटबॉल यहाँ पे बन जाएगी। फर्दर आप इसे रेंडर कर सकते हैं, और भी इसके अंदर जो भी एडिटिंग आप करना चाहते हैं
वो आप कर सकते हैं। एक नॉर्मल वे में मैंने फुटबॉल बनाना बताया है, ऐसे आप एक फुटबॉल को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए वीडियोस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं मैथ से रिलेटेड ही सारे कंपोनेंट्स वगैरह को आपको बताने वाला हूं, ताकि उनकी हेल्प से आप कमांड्स को भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.